अनुग्रह राग एश की मयं भव्यैक बन्धोर्विभो भव्यानां बहुभक्ति राग विसर किं वां जिनां घृत्वये उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा खुले जिन गृह जिन नाथ महं यजे ओम रीम श्रीम क्लीम वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरी पेतचूर्णाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जिस अभिषेक को देखने के मात्र से सर्व दुख नाश होता है, सर्व पापों का विनाश होता है। जिस अभिषेक को देखने से अमृत तत्व का उपलब्ध होता है। मनुष्य जीवन के अंदर देवत्व पर्याय का प्राप्ति होता है। जिनाभिषेकम देवत्वम नहीं दुर्लभ। जिनेन्द्र प्रभु का जो अभिषेक होता है उस अभिषेक को देखने से देवत्व पर्याय की जो है दुर्लभता नहीं हो सकती, सहजता से सरलता से प्राप्त होता है। एक भगवान महावीर के समोषण में पुष्प अर्पण करने के लिए एक मेंढक गया और मेंढक पोछ भी नहीं पाया और भगवान महावीर के समोषण में राजा श्रेणी के पहले देव पर्याय को प्राप्त हुआ। तो एक करकंडो एक ग्वाला ने प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पण करने करा और वह गरीब दरिद्र और दरिद्र नारायण जो है वह एक महान राजा को प्राप्त हुआ। ऐसे पुण्याश्रव कथा को उसमें हजार उदाहरण मिलते हैं जो भगवान के अभिषेक और पुण्याय के माध्यम से जीवन को सार्थक होता है। ऐसे अमावस्या के निमित्त से, सूर्य ग्रहण के निमित्त से और शनि अमावस्या के निमित्त से महामस्तक अभिषेक आप सब लोग देखिए। और इसके अलावा आज शाम को आप लोग विशेष जो है जाप्य और साधना करेंगे और कल महानवरात्रि आरंभ के उपलक्ष्य में नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर समय पर एक दिव्य हवन हो रहा है। 9 दिन के नव हवन होगा और जो हवन एक अद्भुत अलौकिक शक्ति संपन्न होगा, आपके परिवार का, आपका जीवन का, आपके वास्तु का परिवर्तन करेगा। ऐसे हवन पर आप जरूर उसके अंदर शामिल हो। आज बड़ा सभी का भाग्य सौभाग्य खुले। आइए आज का अभिषेक शुभारंभ करने के हवन के लिए श्री सुनील पन्ना मयंक पुण्यता कोटड़िया पूरा हवन के लिए उन्होंने घी दान किया है। और आज जो है वनिता का जन्मदिन है। वनिता का बहुत ही बहुत बहुत जीवन है, सरल सहजता से उसका जीवन है। वनिता को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत ढेर सारी आशीर्वाद और जीवन के अंदर प्रगतिशील जीवन हो, यशस्वी जीवन हो, आरोग्यमय जीवन हो। ऐसे हम जो है भवनाभाते और नवग्रह तीर्थ पर से वो जन्मदिन के लिए बहुत बहुत जो है बधाई देते हैं। और इसी प्रकार आशीष जैन कोटा का भी आज जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आइए अभिषेक कर लेते। अभिषेक के बाद आज सभी लोग शांति धारा जरूर श्रवण करें। आज का शांति धारा करोड़ों आशीष जैन को बहुत बहुत जैन जो हमेशा जो है नवग्रह तीर्थ के प्रति समर्पित है। आशीष को बहुत बहुत जैन, कोटा निवासी, राजस्थान निवासी को बहुत
बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना, आपका जीवन यशस्वी हो। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा, आज की 10 मिनट या थोड़ा सा अभिषेक रह गया, होने के बाद शांति धारा जरूर श्रवण करें और उसके बाद जो है कल का कार्यक्रम की जानकारी आपको दी जाएगी। शुरू करें अभिषेक, नेक्स्ट अभिषेक। अधिस्थितं पंचम केत्र कुंभम प्रपूरितं लोहित चंदनेन उद्धृत्य तेनो धृतलोकमीशं सुस्नापयामि स्नपितुं सुरेन्द्रये। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते। रक्तचंदन अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्य कई धवल मंगल गान रवा खुले जिन गृह जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरी रक्तचंदन अभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। संपूर्ण सुवर्ण कलशैर निखिलैर वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनैक जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते। चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्य कई धवल मंगल गान रवा खुले जिन गृह जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरी चतुष्कोण कलशाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते। चंदनानुलेपनं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्य कई धवल मंगल गान रवा खुले जिन गृह जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरी
चंदनानुलेपनम् अर्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं सुमन सुख प्रदाय वरुर क्षेत्रस्य नवग्रह तीर्थंकरोपरि नवग्रह शांत्यर्थाय दिव्य भव्य मनोहर पुष्प वृष्टिं करोमि स्वाहा। जल अक्षत और पुष्प चढ़ाऊं जिनवर को प्रतिदिन आदर से दीपक दिखाऊं जिनवर को सुखदाई कामना के पूरक कृपा निश दिन में पाऊं जिनवर की। मैं तो आरती उतारूं रे चौबीसों प्रभुवर की। चौबीसों प्रभु जय जय हो जय जय चौबीसों प्रभु जय जय हो।
श्री इति मंगल आरती अवतरणम् करोमि स्वाहा। श्रीकृतेन पयसाजिन पुंगवानं त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगंधित जलाभिषेकम्।